संघर्ष है। अधिवक्ताओं की पहल सराहनीय है। जल्द ही चेंबर और पार्किंग की समस्या शासन स्तर पर हल कराई जाएंगी। यह बातें राज्य मंत्री असीम अरुण ने लॉयर्स एसोसिएशन सभागार में कही। लॉयर्स एसोसिएशन परिसर में 50 लाख की लागत में स्वर्गीय एडवोकेट बलबीर सिंह चंदेल की स्मृति में बनाए गए भव्य हॉल और महिला कक्ष का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री और सांसद सत्यदेव पचौरी के फीता काट कर किया। सांसद ने कहा कि 100 साल पुरानी कचहरी है, अभी भी अधिवक्ता वकालत कर रहे हैं, इसका भी नक्शा बदला जाएगा। इसकी शुरुआत भवन से होगी। अधिवक्ता आए, उनकी मदद की जाएगी। विशिष्ट अतिथि पूर्व चेयरमैन यूपी बार अमरेंद्र सिंह और एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं के नए निर्माण की सराहना की। इससे महिला अधिवक्ताओं की समस्याएं दूर होंगी। आज द लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत सुंदर रूप से, जिसमें कि आदरणीय सांसद जी श्री पचौरी जी को और मुझको ये सौभाग्य मिला कि हॉल बनाया गया है जिसमें कि लॉयर्स के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और अतिरिक्त और भी स्थान बनाया गया जिसमें मुझे बताया गया कि जुवेनाइल न्यायालय को लाए जाने का प्रस्ताव है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे न्यायालय में पहले बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दिखती थी, अब हमारे अधिवक्तागण साथी स्वयं मिलकर के आगे आके सहयोग करके अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ये बड़ी और ऊंची सोच दिखाता है अपने काम के प्रति और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे ना सिर्फ अधिवक्ताओं को काम करने में आसानी होगी बल्कि हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके न्यूज़।